हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। तो पहले सबसे पहले बात तो नाम से क्या समझ में आता है, ये एक्यूट कंडीशन है राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है ठीक है ना, और इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंड्रोम ठीक। इतनी बात समझ में आती है। अब इतनी बात से समझ के हम लोग ये सोच सकते हैं होगी कैसे कंडीशन। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रॉमा होता है ठीक है। मान ली एक ट्रॉमा हो गया लंग्स को ठीक है ना, लंग्स पे ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा होता है तो इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन हुआ तो क्या होता है, एक्सुडेट्स निकलते हैं, एक्सुडेट से एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हुआ एल्वियोलर सैक पे तो लो ब्लड ऑक्सीजन आएगा और जिसके कारण से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। यही चीज़ है, यही चीज़ अब मैं इंट्रोडक्शन में बात करूंगा। ARDS इज अ लंग कंडीशन इन विच ट्रॉमा टू द लंग्स, इन विच ट्रॉमा टू द लंग्स लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, ट्रॉमा टू द लंग्स लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एल्वियोलर सैक ड्यू टू एक्सुडेट्स, लो ब्लड ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फिर क्या होता है उसमें, उसके कारण से लो ब्लड ऑक्सीजन हुआ, फ्लूइड कहाँ गया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हुआ मां एल्वियोलर सैक में, और उसके कारण से क्या हुआ, लो ब्लड ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया ठीक। ARDS कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ के थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। बर्लिन्स डेफिनेशन ऑफ ARDS, अब एक बर्लिन्स डेफिनेशन होती है ARDS की, जो किस पे बेस्ड होती है, लेवल ऑफ सीवियरिटी पे, सीवियरिटी टाइमिंग इमेजिंग एक्सरे और सीटी ऑफ चेस्ट या ओरिजिन ऑफ इडीमा ठीक है ना। सीवियरिटी टाइमिंग इमेजिंग इडीमा चार चीज़ों पे होती है, SIT साइट, साइट से याद रखो, बर्लिन इडीमा का बर्लिन डेफिनेशन ऑफ ARDS मतलब सीवियरिटी इमेजिंग ठीक है, टाइमिंग एंड इडीमा, चार चीजें याद रखेंगे, सीवियरिटी इमेजिंग टाइमिंग एंड इडीमा आर द बर्लिन डेफिनेशन ऑफ ARDS। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, कॉजेस में होगा सेप्सिस, निमोनिया अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ द केसेस राइट। सेप्सिस और निमोनिया जो है ये अकाउंट करता है अबाउट 60% ऑफ द केसेस, 60% ऑफ केसेस में ये अकाउंट करता है सेप्सिस एंड निमोनिया राइट। अगर सेप्सिस निमोनिया हो तो ARDS के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक है। तो अब इसके बाद डायरेक्ट लंग इंजरी हो सकती है, डायरेक्ट लंग इंजरी में ट्रॉमा टू द लंग, एसिड एस्पिरेशन या निमोनिया। अब कोई भी मतलब मान ले कि ट्रॉमा हुआ या कोई भी एसिड का एस्पिरेशन, मतलब बंदे ने एसिड किसी तरीके से, मतलब मान ले कि एसिड का एस्पिरेशन हो गया गलती से ही मान ले जाए तो निमोनिया हो गया, तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट इंजरी टू लंग हो जाएगी ठीक। इनडायरेक्ट लंग इंजरी कैसे होगी, कि सेप्सिस हो गया बंदे को या बर्न हो गया या पैनक्रियाटाइटिस हो गया, तो उससे क्या होगा, इनडायरेक्ट लंग इंजरी। क्या क्या, सेप्सिस बर्न और पैनक्रियाटाइटिस, सेप्सिस बर्न पैनक्रियाटाइटिस से इनडायरेक्ट लंग इंजरी हो जाएगी, सेप्सिस बर्न पैनक्रियाटाइटिस से ठीक है। ARDS often occur along with the failure of other organ system. ARDS कैसे होता है, often होता है along with the failure of other organ system. ये किसके साथ होगा, along with failure of other organ system. ये other organ system के failure के साथ में associated हो सकता है, such as liver and kidney. Liver और kidney के क्या है, ARDS often occurs along with the failure of other organ system. क्या होता है basically, समझो ARDS कब होता है, ARDS तब होगा जब वे फेलियर ऑफ अदर ऑर्गन सिस्टम के साथ हो, सच एस लीवर एंड किडनी, किडनी और लीवर भी इन्वॉल्व हो गया तो ARDS होने की संभावनाएं होती है ठीक है ना। मतलब इसके साथ ही होगा लीवर और मतलब कि इसके फेलियर के साथ। ARDS टिपिकली अकर्स इन पीपल हु आर क्रिटिकली इल एंड हु हैव सिग्निफिकेंट इंजरीज। ARDS उन लोगों में ज़्यादातर होता है, ARDS टिपिकली अकर्स इन पीपल उन लोगों में होता है जो क्रिटिकली इल है एंड हु हैव सिग्निफिकेंट इंजरीज, क्रिटिकली इल और सिग्निफिकेंट इंजरी में होता है ठीक है। ट्रॉमा से बेसिकली होता है, समझे सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स में होगा सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीवियर शॉर्टनेस होगी ब्रेथ की ठीक है ना। बंदा कहेगा कि भाई मेरे को सांस लेने में बहुत तकलीफ है, लेबर्ड एंड यूजली रैपिड ब्रीदिंग, लेबर्ड और यूजली रैपिड ब्रीदिंग होगी यहाँ पे ठीक है। मतलब कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो भाई लेबर्ड ब्रीदिंग करेगा ऑब्वियसली। लो बीपी, कन्फ्यूजन है, एक्सट्रीम टायर्डनेस ठीक है, कन्फ्यूजन होगा उस बंदे को, एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी, स्टिफ लंग होगा, आर्ट्रियल हाइपोक्समिया होगा ठीक है ना। आर्ट्रियल जो है वो मतलब हाइपोक्सियल स्टेट में जा रही है, आर्ट्रियल हाइपोक्समिया हो जाएगा, टेकीकार्डिया हो जाएगा, मतलब मान लें कि जो हार्ट का मतलब है वो ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाएगी राइट। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशन में होगा ब्लड क्लॉट, बंदा जो है ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगी, कोलैप्स लंग हो जाएगा, मतलब न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा
ठीक है, क्या क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, ब्लड क्लॉट होगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, बेसिकली ब्लड क्लॉट होने लगेंगे, कोलैप्स लंग हो जाएगी, न्यूमोथोरैक्स, इन्फेक्शन हो जाएगा, स्कारिंग, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होगा, ब्लड क्लॉट, मतलब मान ले कि ब्लड का थक्का हो गया, जम गया, कोलैप्स लंग हो जाएगा, मतलब लंग कोलैप्स कर गए, इन्फेक्शन हो गया बंदे को, ठीक है ना, कोलैप्स लंग, ब्लड क्लॉट, इन्फेक्शन, स्कारिंग और वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया, ये सब हो सकता है इसके कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है। और इसके अलावा तुम याद रखना कि इसके जो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस में भाई ये सब जो नॉर्मल रेस्पी के डायग्नोसिस करते हो, जैसे कि ABG एनालिसिस कर सकते हो, ब्लड टेस्ट CBC कर सकते हो, ब्लड एंड यूरिन कल्चर कर सकते हो, ABG एनालिसिस, ब्लड टेस्ट, CBC, ब्लड एंड यूरिन कल्चर कर सकते हो, ब्रोंकोस्कोपी, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हो, चेस्ट एक्सरे कर सकते हो, CT स्कैन लगा सकते हो, स्पूटम कल्चर एनालिसिस कर सकते हो, ECG कर सकते हो, ठीक है ना, स्पूटम कल्चर का एनालिसिस कर लो, ECG कर दो, और क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन, क्रैकल्स आएंगे ऑस्कल्टेशन पे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन, आइडेंटिफाई करो और ट्रीटमेंट करो अंडरलाइंग कंडीशंस का, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करो और ट्रीट करो अंडरलाइंग कंडीशंस को, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट इज मेनली सपोर्टिव अंटिल द लंग रिकवर, ट्रीटमेंट जो होता है बेसिकली सपोर्टिव होता है अंटिल द, तो राइट मैं कहा था कि ट्रीटमेंट इज मेनली सपोर्टिव अंटिल द लंग रिकवर, ट्रीटमेंट तब तक सपोर्टिव होता है जब तक अपन लंग को रिकवर कर सके, तो आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन करना चाहिए हमें, ट्रीटमेंट तब तक करना चाहिए, सपोर्टिव तब तक करना चाहिए अंटिल द लंग रिकवर, अंटिल जब तक लंग रिकवर ना हो जाए, इंडोट्रेकियल का इंट्यूबेशन करना चाहिए, इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना चाहिए हमें, ताकि जाके अंदर ट्यूब डाल देना चाहिए, ताकि अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इंट्यूबेट कर दे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, मेनली सपोर्टिव है, ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, सपोर्टिव है अंटिल द लंग रिकवर, अंटिल जो है लंग रिकवर कर रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, मेनली सपोर्टिव है, ट्रीटमेंट इज मेनली सपोर्टिव अंटिल द लंग रिकवर, इंट्रोटेकियल इंट्यूबेशन कर देना है, ट्रीटमेंट क्या है, मेनली सपोर्टिव है। और मैकेनिकल वेंटिलेशन कर सकते, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कर सकते, एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्स ऑक्सीमीटर, हाइपोवोलेमिया मस्ट बी केयरफुली ट्रीटेड, प्रोन पोजीशन, सेडेशन, पैरालिटिक एजेंट और पेन मेडिकेशन, ये सब कर सकते हैं। ये सब देखो यार सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है ना। और प्रोन पोजीशन रखना है, सेडेशन करना है, पैरालिटिक एजेंट रखना है, पेन मेडिकेशन करना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है सारे, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन, न्यूट्रिशन सपोर्ट, इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ठीक है ना। तो मतलब वही है, अंडरलाइंग कंडीशन को ट्रीट करना सपोर्टिव ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, अंटिल लंग रिकवर, ठीक है। ये बात रही आपकी ARDS के बारे में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बात करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।